हेलो व्यूअर्स वेलकम टू मधिलिका क्लासेस तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फोर ऑफ क्लास सेवेंथ का एक्सरसाइज जो कि आपके चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है ठीक है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट है स्टेट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं सिमिलैरिटीज़ क्या हैं दोनों ही टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है ठीक है सेकेंड दोनों में मकरी होता है ठीक है मरकरी का लेवल से ही हम पता करते हैं कि इतना टेम्परेचर है तीसरा दोनों के बल्ब को हमें डिप करना होता है या फिर वो बल्ब में ही मरकरी होता है इसीलिए उस जो थर्मामीटर का बल्ब होता है उसको हम जो भी जिसका भी टेम्परेचर नाप रहे हैं उसके अंदर डालना होता है ठीक है ये हो गया बेटा सिमिलैरिटीज़ ठीक है और भी सिमिलैरिटीज़ हैं वो आप देख लीजिए पढ़ के ठीक है ये हो गया तीन सिमिलरिटीज़ अब डिफरेंसेस हम देख लेते हैं तो डिफरेंसेस क्या क्या हैं सबसे पहला एक तो रेंज हो गया ठीक है जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका क्या रेंज होता है बेटा थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस से लेकर फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस तक है ना और जो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसका रेंज होता है माइनस टेन डिग्री सेल्सियस से लेकर हंड्रेड एंड टेन डिग्री सेल्सियस तक ठीक है एक ये डिफरेंस हो गया सेकेंड जो हमारा डिफरेंस है ये है बेटा जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें किंक प्रेजेंट है ठीक है किंक प्रेजेंट है उस किंक की वजह से मरकरी अपने आप उसका लेवल फॉल नहीं होता है लेबरेटरी थर्मामीटर में किंक जो है एबसेंट होता है ठीक है इसकी इसीलिए लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम ज, जिसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं उसी में डिप करे करे ही हमको उसका टेम्परेचर नोट करना होता है ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं टू येस गिफ्ट एग्ज़ाम्पल्स ईच ऑफ़ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट तो कंडक्टर्स ऑफ हीट हो जाएंगे बेटा आप मेटल्स का नाम लिख सकते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम है कॉपर है आयरन है ठीक है ये हो गया हमारा कंडक्टर्स इंसुलेटर्स क्या है बेटा सबसे पहले तो वुड है ठीक है एयर है वाटर है और प्लास्टिक्स हैं ठीक है थीके? तो इसमें से आप कुछ भी लिख दीजिए कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के एग्ज़ाम्पल्स ठीक है चलिए नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटर्माइंड बाई इट्स टेम्परेचर ठीक है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मामीटर क्लिनिकल ठीक है क्लिनिकल थर्मामीटर से हम बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नहीं नाप सकते टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस ठीक है, है? चलिए नेक्स्ट नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाई द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन ठीक है रेडिएशन के प्रोसेस में हमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट टी हॉट मिल्क हीट इज़ ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन कंडक्शन हो रहा है ठीक है क्लोथ्स ऑफ डैश कलर कलर्स ऑब्जॉर्ब मोर हीट बेटर दैन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर ठीक है डार्क कलर ठीक क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर दे मोर हीट ठीक है चले नेक्स्ट मैच दो फॉलोइंग लैंड ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग नाइट ठीक है लैंड ब्रिज नाइट सी ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग डे ठीक है ना तो सी ब्रिज हम कर देते हैं डे डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर ड्यूरिंग विंटर्स लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर ड्यूरिंग समर्स ठीक है ना चलिए यह हो गया डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर कीपस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिंक पीस ऑफ क्लोथ क्यों क्योंकि बेटा उसमें एयर ट्रैप रहती है ठीक है ना ये मैंने आपको बताया था एयर ट्रैप रहेगी बीच में तो एयर इंसुलेटर है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है तो एयर हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देगी इसीलिए मोर लेयर्स आर बेटर देन वन थिक क्लॉथ ठीक है नाउ लुक एट द फिगर एंड देन मार्क कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन तो कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन को मार्क करना है सबसे पहले ये जो बर्तन है बेटा ठीक है इस एंड से इस एंड तक गर्म हो रही है बाय कंडक्शन ठीक है पानी जो गर्म हो रहा है वो हो रहा है बाय कन्वेक्शन ठीक है और यहाँ की जो एयर है वो गर्म होगी बाय रेडिएशन ठीक इस तरह से आप मार्क कर लीजिए नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट आउटर वॉल ऑफ हाउसेज बी पेंटेड विद वाइट एक्सप्लेन वाइट से इसलिए पेंट करवाते हैं सो दैट इट डू नॉट एब्जॉर्व हीट फ्रॉम सन लाइट और ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर दे इसीलिए व्हाइट है लाइट कलर है इसीलिए इसको गर्म जगह पे वॉल्स पे पेंट करवाते हैं ठीक चलिए सेम है जो हम लाइट कलर के कपड़े समर्स में पहनते हैं Now 8 one liter of water thirty degrees Celsius is mixed with one liter of water fifty degrees Celsius, the temperature of the mixture will be between thirty degree and fifty degrees Celsius. care hmm. An iron ball at forty degrees Celsius is dropped in a mug containing for water of forty degrees Celsius, the heat will be will not flow. नोट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल दोनों का ही टेम्परेचर सेम है तो वॉट हीट हमेशा हॉटर से कोल्डर की तरफ जाती है है ना इसमें तो ऐसे कुछ भी नहीं है चलो अ वुडन स्पून इज ड्रिप्ट इन कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड विल बिकम कोल्ड ठीक है कोल्ड क्यों हो जाएगा बिकॉज ऑफ कंडक्शन ठीक है एलैंथ स्टेनलेस स्टील पैंस आई यूजली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स द रीज़न फॉर दिस कुड बी क्यों क्योंकि जो कॉपर है ना वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है दैन स्टेनलेस स्टील येस ओके तो हो गया इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश और ये हमारा एक्सरसाइज भी फिनिश हो गया है आई होप आपको ये चैप्टर भी समझ में आया हो एक्सरसाइज भी समझ में आया हो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स थैंक यू